हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी ब्रेन में आपका स्वागत। आज हम फिजिक्स में एसएस क्रोटो के प्रॉब्लम 1.49 पे डिस्कस करेंगे। सो एक बार आप पहले क्वेश्चन सुने। अ मैसिव डिस्क रोटेट्स अबाउट अ वर्टिकल एक्सिस एट एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। अ स्मॉलर डिस्क ऑफ मास स्मॉल एम एंड रेडियस स्मॉल आर हुज एक्सिस इज स्ट्रिक्टली वर्टिकल इज लोअर्ड ऑन द फर्स्ट डिस्क As shown in the figure given below, चित्र दिखाऊंगा अभी आपको मैं। The distance between the axis of the disk is d, and this d is more than a small r, and the coefficient of friction between them is mu. The radius of the larger disk is capital R, and this capital R is more than d plus a small r. The friction at the axis of the disk can be neglected. The steady state angular velocity of the smaller disk and the moment of force need to be applied to the axis of the larger disk to maintain its velocity of rotation constant r. यानी आपको बताना है कि स्टडी स्टेट में जो स्मॉलर डिस्क है उसका एंगुलर वेलासिटी किस वैल्यू पर मेंटेन हो जाएगा और ऐसी स्थिति में कितना मोमेंट ऑफ फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा हमें बड़ी डिस्क पर ताकि वो अपनी एंगुलर वेलासिटी जो कि ओमेगा गिवन है उसे कांस्टेंट रख सके। सो कैसे करेंगे प्रॉब्लम को, एक बार आप ध्यान से समझें। जो डायग्राम गिवन है एक बार पहले आप उसे देख लें। एक बड़ी डिस्क गिवन है जो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही है, इसका रेडियस कैपिटल आर गिवन है और इसकी एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा बताया गया है। ये इस लार्जर डिस्क से एसोसिएटेड टर्म्स हैं। एक स्मॉलर डिस्क को कुछ इस तरह से इस लार्जर डिस्क में प्लेस कर दिया गया है। इस स्मॉलर डिस्क का रेडियस स्मॉल आर गिवन है और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस यानी लार्जर डिस्क और स्मॉलर डिस्क के सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है उसे डी बताया गया है। यह कंडीशन गिवन है कि कैपिटल आर डी और स्मॉल आर के सम से ज्यादा है और वो आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं। आर और डी के वैल्यू को ऐड करके कैपिटल आर से छोटा आ रहा है, यही वजह है कि ये डिस्क इस लार्जर डिस्क के सरफेस को टच नहीं कर पा रही है। हमें स्टडी स्टेट में इस स्मॉलर डिस्क की एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, यह हमारा पहला क्वेश्चन है उस कंडीशन में जब स्टडी स्टेट आ जाए। और दूसरा क्वेश्चन है कि कितना मोमेंट ऑफ फोर्स अप्लाई करके आप इस लार्जर डिस्क की एंगुलर वेलोसिटी को मेंटेन रख पाएंगे। अब ध्यान दें, सबसे पहले उस इंस्टेंट के लिए इस प्रॉब्लम को समझना होगा जिस इंस्टेंट पर इस स्मॉलर डिस्क को लार्जर डिस्क के ऊपर रखा गया है। सो उस बात को क्लेरिफाई करने के लिए मैं इस स्मॉलर डिस्क में सेंटर से सिमेट्री मेंटेन करते हुए दो पॉइंट कंसिडर कर रहा हूं। आप ध्यान दें, इन दोनों पोजीशंस पर एक स्मॉल एलिमेंट को मैं कंसिडर कर रहा हूं। आप ये मान सकते हैं कि उस स्मॉल एलिमेंट के मासेस dm के द्वारा दिए जा रहे हैं। इस कंप्लीट डिस्क का मास m गिवन है और इन छोटे एलिमेंट्स के लिए मैं dm मास कंसिडर कर रहा हूं। आप ध्यान दें कि जब इस स्मॉलर डिस्क को इस लार्जर डिस्क के ऊपर रखा जाएगा जो कि ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही है, तो उस इनिशियल इंस्टेंट पर ये स्मॉलर डिस्क रेस्ट में स्टार्ट करेगी। अब चूंकि स्मॉलर डिस्क एट टी बराबर जीरो रेस्ट में है और लार्जर डिस्क ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही है, तो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूमने वाली इस डिस्क के रिस्पेक्ट में इस स्मॉलर डिस्क के पार्टिकल्स की वेलोसिटी क्या होगी, एक बार हम उस पर डिस्कस करेंगे। आप ध्यान देते रहें, कुछ इस तरह से मैं इस पॉइंट ओ से इन दोनों पोजीशंस ए और बी को ज्वाइन करा रहा हूं। आप ध्यान दें, इनके सेंटर पॉइंट को मैं सी से डिफाइन कर रहा हूं। आप ध्यान दें कि लार्जर डिस्क अगर ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही है तो ए के जस्ट नीचे लार्जर डिस्क में जो पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी को कुछ इस तरह से इस डायरेक्शन में दिया जा सकता है। सो क्लियरली अगर लार्जर डिस्क का वो पॉइंट जो ए के जस्ट नीचे है इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो बड़ी डिस्क के रिलेटिव छोटी डिस्क की वेलोसिटी ए पॉइंट के लिए कुछ इस तरह की होनी चाहिए, यानी बड़ी डिस्क के रिस्पेक्ट में
छोटी डिस्क के ए पार्टिकल को कुछ हम इस तरह चलता देखेंगे और ठीक इसी प्रकार बी के जस्ट नीचे लार्जर डिस्क का पार्टिकल इस तरह से मूव करेगा। तो उसके कॉन्टेक्ट में रहने वाले स्मॉलर डिस्क के बी पार्टिकल को लार्जर डिस्क के रिलेटिव हम कुछ इस तरह से चलता देखेंगे। यहां पर आप ध्यान दें कि मैं उस इंस्टेंट की बात कर रहा हूं जिस इंस्टेंट पर स्मॉलर डिस्क रेस्ट में स्टार्ट कर रही है। आप ये समझ सकते हैं कि स्मॉलर डिस्क को लार्जर डिस्क के ऊपर प्लेस कर दिया गया है। एक बात और ध्यान दें कि ये कंप्लीट डिस्कशन एक हॉरिजॉन्टल डिस्क पर चल रहा है, सो उसके लिए अपना माइंड मेकअप रखें। बोर्ड में हर चीज वर्टिकल प्लेन पर दिखाई देती है, लेकिन आप ये समझें कि मैं हॉरिजॉन्टल प्लेन पर इस पूरे क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा हूं। सो ए पॉइंट और बी पॉइंट की वेलोसिटी की डायरेक्शन मैंने शो की है और यह डायरेक्शन लार्जर डिस्क के रिस्पेक्ट में बनाई गई है। अब आप ये समझते हैं कि अगर लार्जर डिस्क के रिस्पेक्ट में स्मॉलर डिस्क के पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो इन स्मॉलर डिस्क के पार्टिकल्स ए और बी पर लगने वाले फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन इस वेलोसिटी के अपोजिट यानी कुछ इस तरह का होना चाहिए। सो अब जो एरो मैंने तैयार किया है वो स्मॉलर डिस्क के पार्टिकल्स पर लगने वाले फ्रिक्शन को प्रेजेंट कर रहा है। मैं इन डायरेक्शंस को अब इस डायग्राम से हटा रहा हूं। आप वेलोसिटी की डायरेक्शंस को समझ चुके हैं, सो अब मैं अपने इस डायग्राम में फ्रिक्शन को प्रेजेंट कर रहा हूं। सो कुछ इस तरह से फ्रिक्शन परफॉर्म करेगा इन दोनों स्मॉल एलिमेंट्स पर जो कि सी के सिमेट्रिक प्लेस किए गए हैं इस स्मॉलर डिस्क में, जिनका मास हमने डीएम कंसिडर किया है। अब ध्यान दें स्मॉलर डिस्क के सेंटर सी के अबाउट अगर मैं इन दोनों फोर्सेस का टॉर्क कैलकुलेट करने की कोशिश करूं तो आप देख पा रहे हैं कि इस फोर्स के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वैल्यू कुछ इस तरह से दी जाएगी, जिसे मैं इस लाइन पर डी से डिफाइन कर रहा हूं, और यही डिस्टेंस जब इस फोर्स के लिए मेजर की जाएगी इस पॉइंट सी से तो वो कुछ इस तरह से दी जाएगी। इस तरह से हम परपेंडिकुलर को ड्रॉ कर पाएंगे। ये बात इस डायग्राम से बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि किसी भी पेयर के लिए अगर आप लगने वाले फ्रिक्शनल फोर्स से एसोसिएटेड डिस्टेंस को सी से मेजर करेंगे जो कि फोर्स के परपेंडिकुलर मेजर की जाएगी सी से, तो आप देख पा रहे हैं कि जो फोर्स एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क दे रहा है उसके लिए सी से मेजर्ड डिस्टेंस जो कि इस डायग्राम में सी डी है, इस दूसरी डिस्टेंस सी ई के कंपेरेटिवली ज्यादा है। आप ये समझ सकते हैं कि अगर दोनों एलिमेंट एक बराबर मास के कंसिडर किए गए हैं तो उन पर लगने वाले फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड सिमिलर होगा, लेकिन डिस्टेंस डिफरेंट होने के कारण दोनों का टॉर्क डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। और हम ये देख पा रहे हैं कि किसी भी पेयर के लिए जब हम फोर्स की परपेंडिकुलर डिस्टेंस सी से मेजर करेंगे तो वो डिस्टेंस इस एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क देने वाले फोर्स के लिए ज्यादा होगी और क्लॉकवाइज टॉर्क देने वाले फोर्स के लिए कम। यहां पर आप ध्यान दें कि जो लार्जर डिस्क है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रही है और हम देख पा रहे हैं कि स्मॉलर डिस्क को इस लार्जर डिस्क के ओ पॉइंट के अबाउट टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज नहीं मिल रहा है। जब हम सी पॉइंट के अबाउट इसका नेट टॉर्क कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो टॉर्क भी एंटी क्लॉकवाइज ही मेजर हो रहा है। इसका क्लियर मीनिंग ये है कि इनिशियल मूवमेंट टी बराबर जीरो पर रेस्ट में रखी जाने वाली ये स्मॉलर डिस्क कुछ ही मूवमेंट में एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क डेवलप होने के कारण एक एंगुलर वेलोसिटी डेवलप कर लेगी, यानी अब यह भी एक एंगुलर वेलोसिटी से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन स्टार्ट कर देगी। इस एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू टाइम के साथ साथ चेंज होती जाएगी और चेंज होते होते एक ऐसी स्टेट तक हम पहुंच जाएंगे जब स्मॉलर डिस्क भी एक एंगुलर वेलोसिटी गेन कर लेगी। आप ये समझ सकते हैं कि अगर स्मॉलर डिस्क को उसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट एक एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क मिल रहा है तो जब तक यह टॉर्क मिलता रहेगा तब तक उसकी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ती रहेगी। अब मान लीजिए कि एक स्टडी स्टेट आ चुकी है और उस स्टडी स्टेट में इस स्मॉलर डिस्क की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से प्रेजेंट की जा रही है, तो क्या सिचुएशन बननी चाहिए उस इंस्टेंट के लिए, एक बार हम उस पर डिस्कस करेंगे। यहां पर आप ध्यान देते रहें, समझते रहें चीजों को। ध्यान दें, मान लीजिए ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी स्मॉलर डिस्क ने अचीव कर ली है, यानी स्मॉलर डिस्क के किसी भी
पार्टिकल के रिस्पेक्ट में अब दूसरे पार्टिकल की वेलोसिटी को हम कैलकुलेट कर पाएंगे इस ओमेगा की हेल्प से। तो ध्यान दें, अभी इनिशियल इंस्टेंट टी बराबर जीरो के लिए जो पिक्चर मैंने बनाया है उसमें क्या क्या चेंजेस आ चुके होंगे उस इंस्टेंट तक जब स्मॉलर डिस्क की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा हो जाएगी। तो ध्यान दें उस पर, इनिशियल इंस्टेंट के लिए हमने लार्जर डिस्क के रिस्पेक्ट में स्मॉलर डिस्क के पार्टिकल ए और बी की वेलोसिटी का एनालिसिस किया था और हमने देखा था कि ये वेलोसिटी इस फ्रिक्शन के अपोजिट और इस फ्रिक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में है। अब ध्यान दें कि जिस इंस्टेंट टी बराबर टी पर स्मॉलर डिस्क ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी मेंटेन कर लेगी उस इंस्टेंट पर इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा होने के कारण एक वेलोसिटी इस पार्टिकल में इस डायरेक्शन में और इस पार्टिकल में इस डायरेक्शन में डेवलप होगी। आप ये समझते हैं कि सी के अबाउट इसके रोटेशन ओमेगा को एंटी क्लॉकवाइज मानते हुए मैंने ये वेलोसिटी की डायरेक्शन बनाई है और एक वेलोसिटी की डायरेक्शन जो लार्जर डिस्क के रिस्पेक्ट में है जिसके बेस पर मैंने इनिशियल इंस्टेंट पर फ्रिक्शन को शो किया था मैं उसे भी बना दे रहा हूं। अब ध्यान दें कि इनिशियल इंस्टेंट पर केवल लार्जर डिस्क के रिस्पेक्ट वाली वेलोसिटी के बेस पे हमने फ्रिक्शन का डायरेक्शन डिसाइड किया था लेकिन अब इसकी नेट वेलोसिटी का डायरेक्शन बदल चुका है। अब हम उस मोमेंट पर हैं जिसमें स्मॉलर डिस्क भी रोटेट कर रही है तो नेट वेलोसिटी इन दोनों के रिजल्टेंट वेक्टर से दी जानी चाहिए। सो क्या डायरेक्शन होगी नेट वेलोसिटी की उसे जानने के लिए हमें इन दोनों वेलोसिटीज का रिजल्टेंट कैलकुलेट करना होगा। तो ध्यान दें इस ओ पॉइंट के अबाउट और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी को ध्यान में रखते हुए इस वेलोसिटी को ओ ए और ओमेगा के प्रोडक्ट से दिया जाएगा। आप समझते हैं कि अगर मैं केवल मैग्नीट्यूड वाइज बात करूं तो हम इस पार्टिकल की वेलोसिटी को लार्जर डिस्क के रिस्पेक्ट में ओ ए लेंथ और ओमेगा के प्रोडक्ट से दे पाएंगे जबकि इस वेलोसिटी को आप सी ए इंटू इस ओमेगा के प्रोडक्ट से दे पाएंगे यानी इस डायरेक्शन में परफॉर्म करने वाली वेलोसिटी ओ ए और ओमेगा के प्रोडक्ट से दी जाएगी और इस डायरेक्शन में परफॉर्म करने वाली वेलोसिटी सी ए इंटू ओमेगा से। सो इन दोनों वेलोसिटीज की हेल्प से जो नेट वेलोसिटी कैलकुलेट होगी फ्रिक्शन का डायरेक्शन उस रिजल्टेंट वेलोसिटी के अपोजिट होगा। सो हमें नेट वेलोसिटी के डायरेक्शन के बेस पर फ्रिक्शन का डायरेक्शन कैलकुलेट करना है। तो ध्यान दें इस पार्टिकल की वेलोसिटी जो कि इस डायरेक्शन में है इसके अगेंस्ट मैं एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में बना रहा हूं लेकिन ध्यान रखें मैं उस वेक्टर को वेलोसिटी के इस कंपोनेंट के प्रोपोर्शनल क्रिएट करूंगा और दूसरी वेलोसिटी का कंपोनेंट जो कि इस डायरेक्शन में है उसके इक्वलेंट एक वेक्टर को मैं इसके अपोजिट डायरेक्शन में तैयार करूंगा। आप समझ सकते हैं कि अगर मैं दोनों वेक्टर्स इन दोनों वेक्टर्स के अपोजिट क्रिएट करूंगा और मैग्नीट्यूड में उन्हें उतना ही रखूंगा जितना ओमेगा की हेल्प से मैग्नीट्यूड निकलेगा वेलोसिटीज का तो क्लियरली हम फ्रिक्शन की डायरेक्शन को जज कर पाएंगे। तो एनालिटिकली कैसे हम इसे प्रेजेंट कर पाएंगे आप ध्यान दें ओ पॉइंट के रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी इस पार्टिकल के लिए हमने निकाली थी वो ओमेगा इंटू ओ ए से दी जाएगी और चूंकि हमें फ्रिक्शन का डायरेक्शन पता करना है तो मैं उस वेक्टर को इस वेलोसिटी के डायरेक्शन में ना बना के इसके अपोजिट बना रहा हूं। आप ध्यान देते रहें मैं एक वेक्टर क्रिएट कर रहा हूं आप इस पे बने रहें इस वेक्टर की लेंथ को मैं ओ ए के इक्वलेंट बना रहा हूं। आप ध्यान दें हम जानते हैं कि वेलोसिटी का ये कंपोनेंट ओ ए इंटू ओमेगा से दिया जाएगा तो क्लैरिटी के लिए मैं ओ ए की लेंथ के बराबर एक लाइन क्रिएट कर रहा हूं और इसे नाम दे रहा हूं ए एफ। अब ये ए एफ लेंथ ओ ए के बराबर है आप ध्यान दें और इस ए एफ वेक्टर को हम ओमेगा ओ ए के प्रोपोर्शनल प्रेजेंट कर रहे हैं। यहां आप ध्यान देते रहें कि ए एफ जो लाइन ड्रॉ की गई है वो ओ ए के परपेंडिकुलर है और इसी प्रकार इस वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को सी ए इंटू ओमेगा होना चाहिए और फ्रिक्शन के लिए इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक वेक्टर में इस वेक्टर में इसके पैरेलल जोड़ रहा हूं। आप ध्यान देते रहें ये वेक्टर में बिल्कुल इस वेक्टर के पैरेलल क्रिएट कर रहा हूं अपोजिट डायरेक्शन में। सो मैं इसे ए सी
और ओमेगा के प्रोडक्ट के इक्विवेलेंट मान रहा हूं। इस लाइन को हम एफ जी से प्रेजेंट कर रहे हैं, आप ध्यान देते रहे। सो नेट वेलोसिटी की डायरेक्शन पता लगा के फ्रिक्शन की डायरेक्शन तक पहुंचने के लिए मैंने वेलोसिटी जो कि ओमेगा इंटू ओ ए है इस डायरेक्शन में, उसके अपोजिट उतना ही बड़ा वेक्टर क्रिएट कर दिया है, और इस वेक्टर के अपोजिट सी ए इंटू ओमेगा मैग्नीट्यूड का वेक्टर मैंने कुछ इस तरह से एफ जी के रूप में क्रिएट कर दिया है। आप माइंड मेकअप रखें और ध्यान देते रहें कि ओ ए के परपेंडिकुलर लाइन ए एफ है और इस सी ए के परपेंडिकुलर लाइन ये एफ जी है, क्योंकि ये वेक्टर सी ए के परपेंडिकुलर है तो ये वेक्टर भी सी ए के परपेंडिकुलर होगा। यहां पर आप ध्यान देते रहे कि अगर मैं सी ए लाइन को आगे ड्रॉ करूं तो ये वेक्टर इस लाइन पे ही ज्वाइन होगा और इसके साथ 90 डिग्री एंगल बनाएगा। अब ध्यान दें, ए पार्टिकल के लिए सभी टर्म्स लिखे जा चुके हैं। इसी प्रकार अगर हम बी पार्टिकल के लिए डिस्कस करें तो जो फोर्स का डायरेक्शन बी के लिए लिखा जाएगा, एक बार उसे समझें। बी पॉइंट की वेलोसिटी का एक कंपोनेंट लार्जर डिस्क के रिस्पेक्ट में कुछ इस तरह से बनेगा और सी पॉइंट के रिस्पेक्ट में उसकी ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से एसोसिएटेड वेलोसिटी कुछ इस डायरेक्शन में होगी। अब इन दोनों वेलोसिटीज के रिजल्टेंट की डायरेक्शन जानने के बाद उनके अपोजिट डायरेक्शन में मुझे फ्रिक्शन की डायरेक्शन को शो करना होगा। तो सिंप्लिसिटी के लिए मैं इस वेलोसिटी के अपोजिट और इस CP इंटू ओमेगा वेलोसिटी के अपोजिट वेलोसिटीज इस पॉइंट ए पे ही क्रिएट कर रहा हूं। आप ध्यान देते रहें, इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को ओमेगा इंटू ओ बी होना चाहिए और इसके अपोजिट डायरेक्शन में ओमेगा इंटू ओ बी के प्रोपोर्शनल वेक्टर बना के हम फ्रैक्शन तक पहुंच पाएंगे। सो ध्यान दें, मैं बी पॉइंट की वेलोसिटी के कंपोनेंट ओ बी ओमेगा को अपोजिट डायरेक्शन में ए पॉइंट पे ही क्रिएट करूंगा। आप ध्यान देते रहें, मुझे ये वेलोसिटी इस डायरेक्शन में बनानी चाहिए लेकिन मैं इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्रिएट करूंगा। सो कुछ इस तरह से मैं इस डायरेक्शन में एक वेक्टर को प्रेजेंट करूंगा। यहां पर आप ध्यान देते रहें, ये वेक्टर इस वेक्टर के पैरेलल होना चाहिए। यहां पर आप इस बात को समझें कि एक ही पॉइंट पर अगर हम सारे फोर्सेस को देखेंगे तो हमारा एनालिसिस इजी होगा। यही वजह है कि हम सभी फोर्सेस को एक ही पॉइंट पर शो कर रहे हैं। सो मैंने बी पॉइंट पर लगने वाले कंपोनेंट को इस पॉइंट पर बना दिया है। यहां पर आप ध्यान देते रहें कि ओबी लाइन के परपेंडिकुलर ये लाइन क्रिएट की गई है, यानी ये जो ज्योमेट्री आपने क्रिएट की है, अब हमें ये बात समझनी होगी कि ओए के परपेंडिकुलर एएफ है और ओबी के परपेंडिकुलर एएच है, यानी ये एएच परपेंडिकुलर है ओ बी के और ए एफ परपेंडिकुलर है ओ ए के। इस जी को थोड़ा सा शिफ्ट कर देंगे इस लाइन पर, जी को एक स्पेसिफिक पोजीशन दे देते हैं। और जी कौन सा पॉइंट है आप जानते हैं, हमने इस एफ जी को इस वेक्टर के पैरेलल क्रिएट किया है और इसे अपोजिट रखा है क्योंकि हम फ्रिक्शन की डायरेक्शन को एनालाइज करना चाहते हैं। यहां पर आप ध्यान दें कि हम मैग्नीट्यूड वाइज वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल वेक्टर्स बना रहे हैं क्योंकि हमें वेलोसिटी का रिजल्टेंट डायरेक्शन जान के उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन को क्रिएट करना है। सो इसकी दोनों वेलोसिटीज को अपोजिट डायरेक्शन में प्रोपोर्शनली प्लॉट करके कुछ इस वेक्टर के रूप में हम रिजल्टेंट फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन को इस पॉइंट पर पता कर पाएंगे। इस पॉइंट को जी बोला जा रहा है और अगर मैं इस पॉइंट ए से जी को ज्वाइन कराऊं तो ये ए पॉइंट पर लगने वाले फ्रिक्शन की रिजल्टेंट डायरेक्शन होनी चाहिए। और ठीक इसी प्रकार बी पॉइंट की वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में एक वेक्टर क्रिएट कर दिया गया है जो कि ए एच है और दूसरी वेलोसिटी जो कि सी बी इंटू ओमेगा के करस्पॉन्डिंग है, अगर मैं उसे भी क्रिएट करूं इस वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में तो उसे इस एच पॉइंट पर कुछ इस तरह से बनना चाहिए। यहां पर आप ध्यान देते रहे, मैं इसे एच आई नाम दे रहा हूं और इसका मैग्नीट्यूड होना चाहिए ओमेगा सी बी के इक्विवेलेंट। सो ये मैग्नीट्यूड एच आई ओमेगा सी बी के इक्विवेलेंट है जबकि ये मैग्नीट्यूड एफ जी ओमेगा ए सी के इक्विवेलेंट है। मैं इस वेक्टर को भी क्रिएट कर ले रहा हूं। अब यहां पर आप कुछ बातों को पहले समझ लें।
कई बार स्टूडेंट के दिमाग में ये आता है कि सर ये वेक्टर जब आपने क्रिएट किया और ये वेक्टर क्रिएट किया तो ये दोनों वेक्टर इसी लाइन पर जाकर के मिले, ऐसा क्यों हो गया? तो इस पॉइंट पर ध्यान से आए, आप देख पा रहे हैं कि जो ए एफ वेक्टर क्रिएट किया गया है वो ओ ए के ओमेगा मल्टीपल के बराबर है मैग्नीट्यूड में, और जो ए एच वेक्टर क्रिएट किया गया है, जो ए एच वेक्टर बनाया गया है, वो ओ बी के ठीक परपेंडिकुलर है और मैग्नीट्यूड में ओमेगा इंटू ओ बी से दिया जा रहा है। सो ध्यान दें कि जो ट्रेंगल आप ए एफ और ए एच लाइन की हेल्प से क्रिएट कर रहे हैं और जो आपने ओ ए और ओ बी लाइन की हेल्प से क्रिएट किया है, उनमें एक रिलेशन आप देख पाएंगे। ओ ए के परपेंडिकुलर ए एफ है, ओ बी के परपेंडिकुलर ए एच है, यानी इस ट्रेंगल की ये दोनों साइड्स, इस ट्रेंगल की इन दोनों साइड्स के परपेंडिकुलर है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पर और आए कि अगर इसके परपेंडिकुलर ये लाइन है और इसके परपेंडिकुलर ये लाइन है, तो जो एंगल इन दोनों लाइंस के बीच में क्रिएट होगा उतना ही एंगल इस पॉइंट पर इन दोनों लाइंस के बीच में भी क्रिएट होना चाहिए, यानी इस कंप्लीट एंगल को इस कंप्लीट एंगल के बराबर होना चाहिए। इस पॉइंट के अलावा एक बात फाइनल और समझे कि इसकी लेंथ OA के प्रोपोर्शनल है और इसकी लेंथ OB के प्रोपोर्शनल है, तो अगर हम AF और AH का रेशियो कैलकुलेट करें तो वो OA और OB के रेशियो के बराबर आएगा। अब आप जानते हैं सिमिलरिटी के कंसेप्ट से कि अगर ये एंगल बराबर है इंक्लूडेड एंगल दोनों लाइनों के बीच का और दोनों साइड्स आपस में प्रोपोर्शनल है दोनों ट्रायंगल्स में, तो सिमिलरिटी के अकॉर्डिंगली इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर ट्रायंगल होना चाहिए। ये सिमिलरिटी के कंसेप्ट में हम लोग पढ़ते हैं 10th क्लास में। सो अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनके सभी फीचर्स सिमिलर होने चाहिए, यानी अब मैं कह सकता हूं कि अगर OA के परपेंडिकुलर AF है, OB के परपेंडिकुलर AH है, तो AB के परपेंडिकुलर HF को होना चाहिए। वैसे इसको मैं डायग्राम में भी ड्रॉ कर चुका हूं और आप लोग देख पा रहे हैं कि ये जो HF लाइन खींची गई है ये AB लाइन के परपेंडिकुलर है। सो AB लाइन के इक्विवेलेंट यहां पर HF लाइन होनी चाहिए। अगर ये लाइन OA का ओमेगा मल्टीपल है और ये लाइन OB का ओमेगा मल्टीपल है, तो सिमिलरिटी के कंसेप्ट से इस H से लेकर F तक की लेंथ को ओमेगा मल्टीपल ऑफ AB होना चाहिए। ये आप समझ सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर प्रूफ किए जा चुके हैं। इनके सिमिलरिटी से हम इस HF के मैग्नीट्यूड को ओमेगा मल्टीपल ऑफ AB बोल पाएंगे। अब एक दूसरे फैक्ट की तरफ आए कि फ्रिक्शन का एक डायरेक्शन ए आई से शो किया जा रहा है जो कि बी पॉइंट के लिए है, और एक डायरेक्शन ए जी से शो किया जा रहा है जो कि ए पॉइंट के लिए है। क्लियरली ये फ्रिक्शन के डायरेक्शंस अगर डिफरेंट डिफरेंट होंगे तो आप समझ सकते हैं कि स्टडी स्टेट नहीं आएगी। हम जानते हैं कि स्टडी स्टेट तब आएगी जब ये दोनों फ्रिक्शन के डायरेक्शन एक दूसरे के ऊपर कोइंसिडेंट हो जाएंगे। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं इस बात को समझें कि जब ये दोनों फ्रिक्शन एक दूसरे के ऊपर कोइंसिडेंट हो जाएंगे तो इसका अर्थ यह होगा कि ए पॉइंट पर लगने वाले फ्रिक्शन का डायरेक्शन और बी पॉइंट पर लगने वाले फ्रिक्शन का डायरेक्शन सिमिलर है, और अगर ए और बी पर लगने वाले फ्रिक्शन के डायरेक्शन किसी एक आर्बिट्रेरी पेयर के लिए सिमिलर हो जाएंगे तो क्लियरली सेंटर पॉइंट सी के अबाउट जितना एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क ए पर लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स देगा उतना ही क्लॉकवाइज टॉर्क बी पर लगने वाला फ्रिक्शन भी दे देगा, और ऐसे में हर पेयर के लिए नेट टॉर्क जीरो हो जाएगा और स्टडी स्टेट अचीव की जा सकेगी। सो स्टडी स्टेट तक पहुंचने के लिए ए आई और ए जी को कोइंसिडेंट होना चाहिए, यानी जी और आई पॉइंट सिमिलर होने चाहिए। सो अगर मैं जी और आई को सिमिलर मानूं तो एफ जी और एच आई इन दोनों का सम इस कंप्लीट लेंथ ओमेगा ए बी के बराबर हो जाना चाहिए। एक बार आप और समझें, एफ से लेकर जी तक की लेंथ को ओमेगा ए सी मैग्नीट्यूड का बनाया गया है, सो मैं इसे ओमेगा ए सी लिख रहा हूं, और जो लेंथ क्रिएट की गई है एच आई के लिए उसका मैग्नीट्यूड ओमेगा सी बी है, मैं इसे भी इसमें ऐड कर दे रहा हूं। अब एक पॉइंट पर आप ध्यान से आए कि इक्विलिब्रियम या स्टडी स्टेट आने के लिए ए आई और ए जी को एक दूसरे के ऊपर कोइंसिडेंट हो जाना चाहिए। सो अगर ये दोनों लाइन एक दूसरे पर कोइंसिडेंट हो जाएंगी तो इस ओमेगा ए सी और इस ओमेगा सी बी का सम
इस कंप्लीट लेंथ के बराबर आना चाहिए, और सिमिलैरिटी के कंसेप्ट से ये कंप्लीट लेंथ ओमेगा ए बी वैल्यू के द्वारा दी जा रही है। सो इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए या स्टडी स्टेट के लिए अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो मुझे मिलेगा ओमेगा ए बी इक्वल टू ओमेगा ए सी प्लस सी बी, और क्लियरली ए सी प्लस सी बी को मैं ए बी से प्रेजेंट कर सकता हूं। और अब इसे सॉल्व करने पर हम देख पा रहे हैं कि इक्विलिब्रियम या स्टडी स्टेट तभी आ सकेगी जब ओमेगा और स्मॉल ओमेगा दोनों बराबर हो जाएं, यानी जिस इंस्टेंट पर स्मॉलर डिस्क की एंगुलर वेलोसिटी और लार्जर डिस्क की एंगुलर वेलोसिटी सिमिलर हो जाएंगी उस इंस्टेंट पर स्टडी स्टेट आ जाएगी। यानी इस प्रोसेस में स्मॉलर डिस्क को जब रखा गया तो वो रेस्ट में थी, फ्रिक्शन की हेल्प से रेस्ट की कंडीशन से ये जब उतनी ही एंगुलर वेलोसिटी की कंडीशन में पहुंच जाएगी जितनी एंगुलर वेलोसिटी लार्जर डिस्क की है तो स्टडी स्टेट अचीव हो जाएगी। यानी स्टडी स्टेट के लिए ओमेगा को ओमेगा के बराबर होना चाहिए, यही हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए जो इसमें पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन जो एसोसिएटेड है इस प्रॉब्लम में वो ये पूछा गया है कि इस स्टडी स्टेट को मेंटेन कराने के लिए हमें लार्जर डिस्क पर कितना टॉर्क डेवलप करना पड़ेगा। तो क्लियरली समझे, लार्जर डिस्क और स्मॉलर डिस्क के बीच में लगने वाले फ्रिक्शन की हेल्प से ही इस स्टडी स्टेट तक पहुंचा गया है। यहां पर ध्यान दें कि क्वेश्चन में बोला गया है कि लार्जर डिस्क के ओमेगा को मेंटेन किया जाना है और हमें यह बताना है कि ओमेगा को मेंटेन करने के लिए कितना टॉर्क इसके एक्सिस पर लगाया जाना चाहिए। सो अब ध्यान दें, मुझे यह कैलकुलेट करना होगा कि इस लार्जर डिस्क पर इस स्मॉलर डिस्क के कारण कितना टॉर्क डेवलप हो रहा है। तो ध्यान दें, अगर मैं इस पॉइंट ओ के अबाउट इन टॉर्क का रिजल्टेंट कैलकुलेट करूं जो इस स्मॉलर डिस्क की प्रेजेंस के कारण लार्जर डिस्क पर लग रहे हैं और जो ओमेगा का अपोज कर रहे हैं, तो कैसे वो कैलकुलेशन होगा, आप इस पे आए। अब आप ध्यान दें कि स्टडी स्टेट जब ओमेगा ओमेगा की बराबरी कर लेगा तो उस कंडीशन में ए आई और ए जी एक दूसरे पे कोइंसिडेंट हो जाएंगे और हमें उसी स्टडी स्टेट के लिए लार्जर डिस्क पर लगाए जाने वाले उस टॉर्क को कैलकुलेट करना है जिससे ये अपने ओमेगा को मेंटेन कर सके। तो उस टॉर्क को कैलकुलेट करने के लिए हमें इन फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू को यूज करना होगा। सो ध्यान दें, स्टडी स्टेट में ए जी और ए आई को इंसिडेंट हो जाएंगे। अब एक बार आप सिमिलरिटी पे फिर से आए कि ए एफ परपेंडिकुलर है ओ ए के, ओ बी के परपेंडिकुलर ए एच बनाया गया है, ये HF लाइन जो है ये AB के परपेंडिकुलर है, CAB का मिडिल पॉइंट है, और ठीक इसी प्रकार चूंकि G और I कोइंसिडेंट हो चुके हैं और ये पार्ट ओमेगा AC और ये पार्ट ओमेगा CB है और AC और CB मैग्नीट्यूड में बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि H और F के बीच में जिस कोइंसिडेंट पॉइंट को हम चुन रहे हैं वो सेंटर पॉइंट है, और अगर वो इस ट्रायंगल का सेंटर पॉइंट है तो उस लाइन ए जी को मैं आई और जी के कोइंसिडेंट पॉइंट को जी कह रहा हूं, आप समझें। सो इस लाइन ए जी को कोइंसिडेंट होने के बाद इस ओसी लाइन के परपेंडिकुलर होना चाहिए। एन कैप में इस रिजल्टेंट फ्रिक्शन की डायरेक्शन में बनाए गए यूनिट वेक्टर को मान रहा हूं। अब ध्यान दें कि ओ पॉइंट के अबाउट हमें इन फ्रिक्शनल फोर्स के टॉर्क कैलकुलेट करने हैं और हम जान चुके हैं कि ए और बी पर लगने वाले फ्रिक्शन फोर्स के डायरेक्शन पैरेलल हो चुके हैं। ठीक इसी प्रकार सी के अबाउट चुने हुए हर पेयर के लिए ये पैरेलल डायरेक्शन सिमिलर होगी, ये पैरेलल डायरेक्शन मेंटेन रहेगी। तो किसी एक पेयर के लिए मैं इसे सॉल्व करके सिग्मा समेशन से कंप्लीट टॉर्क को कैलकुलेट करूंगा। ध्यान दें, ए पॉइंट पर जो फोर्स लग रहा है अगर मैं उसकी डायरेक्शन को एन कैप से प्रेजेंट करूं, यहां पर ध्यान दें कि ये जो फोर्स हम प्रेजेंट कर रहे हैं ये स्मॉलर डिस्क पर लग रहा है। ये बिल्कुल क्लियर है कि एक्शन रिएक्शन फोर्स से अगर स्मॉलर डिस्क के ए पॉइंट पर कुछ इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है तो इतना ही मैग्नीट्यूड का फ्रिक्शन फोर्स लार्जर डिस्क पर इसकी अपोजिट डायरेक्शन में परफॉर्म करेगा। तो उस फोर्स की डायरेक्शन को हम माइनस एन कैप से प्रेजेंट करेंगे जबकि उसका मैग्नीट्यूड उसी वैल्यू से दिया जाएगा जिस वैल्यू से हमने स्मॉलर डिस्क के लिए उसे प्रेजेंट किया है। सो अब अगर मैं लार्जर डिस्क पर लगने वाले इस फोर्स का टॉर्क कैलकुलेट करूं ओके अबाउट, तो वो कितना होगा, आप ध्यान दें, मैं केवल ए पॉइंट के लिए एक्सप्रेशन लिख रहा हूं, ये होना चाहिए ओ ए वेक्टर
क्रॉस म्यू डी एम जी इंटू माइनस एन कैप, यानी इतना टॉर्क डेवलप होगा ए पॉइंट पर लार्जर डिस्क के, ए पॉइंट यहां पर लार्जर डिस्क पे बोला जा रहा है, तो आप उसे ऐसे समझें कि स्मॉलर डिस्क में ए पॉइंट के जस्ट नीचे जो लार्जर डिस्क का पॉइंट है हम उसकी बात कर रहे हैं। सो ओए वेक्टर क्रॉस म्यू डीएमजी माइनस एन कैप के रूप में टॉर्क दिया जाएगा ए पॉइंट के लिए, और इसके सिग्मा समेशन से हम लार्जर डिस्क पर लगने वाले नेट टॉर्क वेक्टर को कैलकुलेट कर पाएंगे। सो क्या आएगा, एक बार आप ध्यान दें इस पे, यह बनेगा सिग्मा ओए वेक्टर क्रॉस एन कैप विद माइनस साइन, माइनस को मैं बाहर कर ले रहा हूं, और डीएम को प्रेजेंट कर दे रहा हूं मैं ओए वेक्टर के साथ, और ग्रेविटी और म्यू को अलग लिखा जा सकता है। अब आप ध्यान दें मैंने कैसे इसे अरेंज कर दिया है, माइनस को मैंने आउटसाइड कर दिया है, सिग्मा में मैंने डीएम को ओए वेक्टर के साथ अटैच कर लिया है, क्रॉस प्रोडक्ट में एन कैप अपनी पोजीशन पे है, म्यू और जी कांस्टेंट को मैंने अलग कर दिया है। अब ये फर्स्ट टर्म जो आप देख पा रहे हैं, अगर मैं इसमें कंप्लीट मास से डिवाइड और मल्टीप्लाई करूं, यहां स्मॉल एम स्मॉल डिस्क का कंप्लीट मास है, तो क्लियरली ये फर्स्ट टर्म सेंटर ऑफ मास ऑफ द स्मॉलर डिस्क को प्रेजेंट करता है। यहां पर आप क्लियरली समझें कि ये एक्सप्रेशन ओए वेक्टर यानी ओ से किसी पार्टिकल स्मॉलर डिस्क के किसी पार्टिकल की पोजीशन को और डीएम उस पार्टिकल के मास को प्रेजेंट कर रहा है, और डिनोमिनेटर पे इस डिस्क का टोटल मास है। तो ये फॉर्मूला एम वन आर वन प्लस एम टू आर टू डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू के इक्विवेलेंट है। सो इसे कन्वर्ट करके अब मैं स्मॉलर डिस्क के सेंटर ऑफ मास को प्रेजेंट कर रहा हूं। आप ध्यान देते रहे, चूंकि स्मॉलर डिस्क का सेंटर सी है, सो इसे मैं ओ सी वैक्टर लिख रहा हूं, और अब मुझे इसे एन वेक्टर के साथ क्रॉस करना है, और अदर टर्म में आ रहे हैं एम म्यू और जी। फाइनली हम इसे लिखेंगे माइनस ओ सी वेक्टर क्रॉस एन कैप एम म्यू जी। ओ सी वेक्टर हम जानते हैं कि इसकी लेंथ को डी से प्रेजेंट किया गया है इस क्वेश्चन में, सो मैं इसे डी ओ सी यूनिट वेक्टर के रूप में ब्रेक कर रहा हूं क्रॉस एन कैप इंटू म्यू एम जी। और फाइनल लाइन में हम जानते हैं कि ओ सी वेक्टर और एन कैप एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, हम इस पर डिस्कस कर चुके हैं। हम जानते हैं कि इस ट्रायंगल में ओ पॉइंट से ड्रॉ की गई ये लाइन ओ सी फ्रंट साइड को सेंटर पे मिल रही है, ठीक उसी प्रकार इस ट्रायंगल में ए से ड्रॉ की जाने वाली वो लाइन जो फ्रिक्शन की डायरेक्शन में है एच एफ के सेंटर पे मिल रही है। तो चूंकि इस ट्रायंगल की हर साइड इस ट्रायंगल की किसी भी करस्पॉन्डिंग साइड के परपेंडिकुलर है, तो क्लियरली इस ओ सी को इस रिजल्टेंट फ्रिक्शन वेक्टर की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होना चाहिए। सो इन दोनों की परपेंडिकुलरिटी के बेस पे इनके प्रोडक्ट को एक नए वेक्टर के रूप में चेंज किया जा सकेगा। एक बार उसे देख लें वो क्या होगा, ओसी की डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स रख के अगर मैं एन वेक्टर की डायरेक्शन में कर्ल करूं तो मेरा थंब आउटसाइड वेक्टर के रूप में प्रेजेंट हो रहा है, सो मैं इसे के वेक्टर के रूप में लिख रहा हूं। आप ध्यान से देखें नेट टॉर्क जो लार्जर डिस्क पर लगेगा उसका फाइनल वैल्यू आया है म्यू एम जी इंटू डी, ये मैग्नीट्यूड लिख दिया है मैंने, और ओसी क्रॉस एन करके क्योंकि आउटर के वेक्टर आया है तो इस माइनस के साथ मैं इसे लिख पाऊंगा माइनस के वेक्टर। सो इतना टॉर्क लार्जर डिस्क महसूस करेगी स्मॉलर डिस्क के प्रेजेंट होने के कारण, और इसका डायरेक्शन माइनस के वेक्टर यानी कुछ इस तरह का है, तो इस ओमेगा को मेंटेन करने के लिए यह कंपलसरी होगा कि इतना ही टॉर्क अपोजिट डायरेक्शन में लार्जर डिस्क पर लगाया जाए। सो इस टॉर्क को कंपनसेट करने के लिए लार्जर डिस्क पर एक्सटर्नल एजेंट को जो टॉर्क डेवलप करना पड़ेगा उसकी वैल्यू को हम लिख पाएंगे टॉर्क वेक्टर इक्वल टू म्यू डी एम जी इंटू के कैप। यहां पर आप ध्यान दें कि जो टॉर्क लार्जर डिस्क महसूस कर रही है वो माइनस के कैप में है, यानी वो क्लॉकवाइज है। सो डेफिनेटली उसका अपोज करने के लिए और ओमेगा को बनाए रखने के लिए उतना ही टॉर्क हमें एंटी क्लॉकवाइज डेवलप करना होगा। सो इस तरह से एनालिटिकली केवल डायग्राम के बेस पर इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। एनालिटिकली इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना कंफर्टेबल है क्योंकि कैलकुलेटिव वे में या मैथमेटिक्स लगा के इसे सॉल्व कर पाना और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। थैंक यू।